गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब लोगों को सो so एक बार कोई बोल रहा है आवाज स्लो है ऐसा नहीं है आवाज स्लो बेटा थोड़ा अपना वो स्पीकर का आवाज़ बढ़ाओ स्पीकर का आवाज बढ़ाओ हाँ हेलो हाँ है ना आवाज हाँ तू आवाज सुनाने आया मुझे हाँ हाँ आवाज आवाज चलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं सब लोग सो so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं सो so, हमने जो कल पढ़ा था एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद आगे चालू करेंगे एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे तो एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं चलो मैंने आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाया हाँ तो चलिए हमने हाउस प्रॉपर्टी चालू किया था और हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ा एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं सब लोग साथ साथ में रिवाइज करेंगे तो चलिए सबसे पहले ट्वेंटी टू ये बोलती है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम तभी आती है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है एक तो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और एक एस उसका क्या होना चाहिए ओनर होना चाहिए अब एक बात समझना हाउस प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है एक लेट आउट प्रॉपर्टी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने किसी को भाड़े पे दे रखी है लेट आउट प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो ऑलवेज क्या होती है टैक्सेबल बट दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टी या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो और अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो वो आपको इग्नोर करने का क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनकम कमा के दे रही है

और दो से बाकी वाला जितना भी SOP है उसको माना माना जाएगा क्या माना जाएगा DLOP. DLOP का फुल क्या टैक्सेबल होगी अब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे निकालते हैं तो देखो सबसे पहले आप म्यूनिसिपल वैल्यू ले लो म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करो फेयर रेंट से विच एवर हायर ले लो उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से विच इज लोअर ले लो इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट

जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर के पिछले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट जो है दैट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मुझे एक बात बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस डेट के पहले का या उस ईयर के पहले का ईयर के पहले का मतलब जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के पहले का जो इंटरेस्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड प्री प्री कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पीरियड पीरियड इंटरेस्ट इंटरेस्ट अब एक बात समझना जो भी होता होता है है वो आपको अलाउ बट कितनी इंस्टॉलमेंट में फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाता है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसी ईयर से आप फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका डिडक्शन ले लीजिए अब एक बात समझना इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी

एक चीज समझना इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट म्यूनिसिपल टैक्सेस इंटरेस्ट ऑन लोन हर चीज को डिवाइड करना है इन द एलओपी एंड एसओपी इन द रेशियो ऑफ द एरिया मतलब जो एरिया है उसमें आप डिवाइड कर दो लेकिन एक चीज को कभी भी डिवाइड नहीं करोगे किसको डिवाइड नहीं करोगे एक्चुअल एक्चुअल रेंट रेंट को डिवाइड आप किस लिए नहीं करोगे क्योंकि एक्चुअल रेंट हमेशा किसका होगा एलओपी जो लेट पोर्शन रहेगा उसी का एक्चुअल रेंट रहेगा तो एक्चुअल रेंट को आप कभी भी डिवाइड नहीं करोगे ऐसा आपको टेस्ट में क्वेश्चन भी था आपने टेस्ट दिया कि नहीं दिया कितने लोगों ने टेस्ट दिया ये बता दो तो पहले वाओ वेरी गुड फेस टू फेस वालों में 60 परसेंट लोगों ने टेस्ट दिया 40% लोग जो है वो पहला संडे था इनका तो मना रहे थे घर के ठीक है हाँ दूसरा संडे था हाँ इस बार तो सैटरडे भी लेक्चर नहीं था और संडे भी लेक्चर नहीं था और आपने टेस्ट नहीं दिया बहुत ही गलत बात है बहुत बहुत ज्यादा गलत बात है अगर आप ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन वाले अंजलि ने टेस्ट दिया है नितेश ने दिया है सृजन ने दिया है सबने दिया है तो मैं एक काम करता हूँ

और मैं बता दू हर संडे को टेस्ट होने वाला है आप लोगों का हर संडे को आपका टेस्ट रहेगा एवरी संडे यू विल हैव द टेस्ट तो आपको देना ही देना है और मैं ट्राई करूंगा मेजर एमसीक्यूज वगैरह है वो दू, तो जिससे आपको थोड़ा एनालिटिकल स्किल बढ़े आपका और चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है बिकॉज लोगों को क्या लगता है ना कि एमसीक्यू बहुत ईजी रहता है एमसीक्यू इजी नहीं रहता देखो क्वेश्चन में तो क्या होता है कि क्वेश्चन में अगर एक स्टेप गलत है तो उसका स्टेप का ही मार्क्स कटता है बट एमसीक्यू अगर आंसर गलत आया तो पूरा मार्क्स जाता है तो एमसीक्यू इतना इजी नहीं रहता है करके ठीक है चलिए तो आपने लास्ट लिखा था पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज करके ठीक है अब लिखिए एक और कॉन्सेप्ट एक और कॉन्सेप्ट लिखिए हेडिंग देखे लिखिए हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्क्रिप्टिव वाला वगैरह कल देखेंगे जो टेस्ट के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे जो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कल देखेंगे करके ठीक है चलिए तो आप लिखिए सबसे पहले हेडिंग दीजिए पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी लिखो पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी पार्टली लेटआउट प्रॉपर्टी और ब्रैकेट में लिखिए ब्रैकेट में लिखिए टाइम वाइज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी और ब्रैकेट में लिखिए टाइम वाइज पार्टली लेट प्रॉपर्टी और ब्रैकेट में लिखिए टाइम वाइज टाइम वाइज का मतलब क्या हुआ यार अपन ने ये भी तो पढ़ा था पार्टली तो लेट एरिया वाइज और इसमें क्या है टाइम वाइज ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मान लो ये तुम्हारा एक बहुत सुंदर सा घर है ये मान लो एक बड़ा सुंदर सा घर है जिया का अब एक बात समझना ये जिया का घर है और ये जो घर है ये घर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सात महीने के लिए आपका लेट आउट था एंड पांच महीने के लिए आप उसी में पड़े हो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता लॉजिकली सोचो हो सकता है नहीं तो इसमें क्या, इस क्या करे फिर इसमें क्या करे

तो क्या इसको एलओपी माने एसओपी माने या दो पार्ट में डिवाइड करे क्या करे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ ना तो आपको घर को एल ओपी ही मानना है आप ये मानोगे कि ये घर लेट आउट प्रॉपर्टी है क्योंकि इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो थ्रू आउट खुद के लिए यूज करते हो थ्रू आउट द ईयर आप अपने खुद के लिए यूज करते हो आप उसमें रहते हो थ्रू आउट द ईयर उसी को बोला जाता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक दिन भी किसी को भाड़े पे दे दी तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी है अगर एक दिन भी आपने किसी को भाड़े पे दे दिया घर तो उसको लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे क्योंकि सेल्फ सेल्फ का डेफिनेशन देते टाइम उन्होंने ये लिखा है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऐसी जो थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर आप अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रहे हो तो अगर आपने सिंगल डे भी भाड़े पे किसी को घर दे दिया तो ये मानो ये पूरे साल के लिए लेट आउट है क्या है पूरे साल के लिए लेट आउट बट एक्चुअल रेंट कितने टाइम का आएगा जितने टाइम के लिए लेट आउट है बाकी सब चीजें पूरे साल की लो म्यूनिस्पल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का लो लेकिन बेटा एक्चुअल रेंट तो उतने टाइम का ही आएगा ना जितना आपने भाड़े पे दिया है बट उस प्रॉपर्टी को आपको लेटआउट प्रॉपर्टी मानना है क्या मानना है लेट आउट प्रॉपर्टी मानना है लिखो 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 इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट प्रॉपर्टी इज लेट आउट अब ये सही दिख रहा है ना तुमको जो पहले गलत दिखता था हाँ ए प्रॉपर्टी इज लेट आउट ए प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सम पीरियड लेट आउट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम ए प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम and self occupied for remaining period of time remaining period of time then such property is treated as then such property is treated as laid out property only then such property is treated as Laid out property only. Full stop. If property is laid out, if property is laid out even for one day, if property is laid out even for one day, then also, then also property is treated as LOP. प्री इीटेड एस एल ओ पी देर्टी इज ट्रीटेड एस एल ओ पी चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर टेन पे आ जाइए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर टेन पे आ जाइए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर टेन पे अरे भिंडा भिंडा जैनल इसका नाम है भिंडा सलील पेज नंबर फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर फैजान भाई फैजान भाई बोलता है एक घंटे के लिए भाड़े पे दिया घर मेरी बात सुनो मैं अब क्या सोचू इसके बारे में करके ठीक है ओ भाई सा एक बंदा बोलता है मैं मित्तल डॉन हूँ मित्तल डॉन मैं फेजान भाई से बड़ा ये लिखता है मित्तल डॉन इज हायर देन भाई ऑनलाइन वाले बच्चे अलग ही है पता तुमको अलग ही चल रहा है उनका घर पे बैठे अकेले करके ठीक है मम्मी सोच रही है बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा सोच रहा है एक घंटे के लिए घर पहाड़ी पे दूंगा <laughs> आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टेन पे आइए राजा लक्ष्मी पे श्रीमती राजा लक्ष्मी ओन अ हाउस प्रॉपर्टी एट अडेयर इन चेन्नई चेन्नई में घर है म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यहां पे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं मेरा आंसर करोगे ठीक है और मुझे पता है आप गलत करोगे तो ध्यान रखना इस, इनको मैं बोलता हूँ ना आप गलत करोगे तो ये लोग क्या सोचते हैं पता है जो हमारे मन में आएगा ना उसका उल्टा करेंगे <laughs> तो शायद सही हो जाएगा करके ठीक है क्या टैलेंट लगाते हैं ये लोग देखो या अपर्णा प्लीज इधर देखिए राजा लक्ष्मी एट अडेयर इन दे रेंट 420 है, है प्रॉपर्टी वॉज लेट आउटी थाउजेंड पर मंथ अपू दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक ये प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट थी पचास हजार रुपया पर मंथ

मुझे एक बात बताइए इस क्वेश्चन को देखते हुए मुझे एक बात बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में वैकेंसी का कॉन्सेप्ट है या नहीं है इस क्वेश्चन में वैकेंसी का कॉन्सेप्ट है या नहीं है मुझे आप दिमाग लगा के और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या वैकेंसी का कॉन्सेप्ट है या नहीं है क्या इस क्वेश्चन में वैकेंसी का कॉन्सेप्ट है या नहीं है है या नहीं है चलो कितने लोग बोलते हैं कि इस क्वेश्चन में वैकेंसी का कॉन्सेप्ट है है वाले है वैकेंसी का कॉन्सेप्ट पांच परसेंट खजूर लोग हैं जो बोलते हैं कितने लोग बोलते हैं नहीं है रेज बाकी लोगों को भी हाथ खड़ा करना है भाई राइट आंसर इज इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में वैकेंसी का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में वैकेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है का मतलब मैंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोला था घर पे ताला लगा हुआ है, है। घर खाली पड़ा है। क्या इसमें घर खाली पड़ा है क्या नहीं? वो तीन महीने वो खुद ही वहां पड़ी हुई है उसने नौ महीने भाड़े पे था दिसंबर तक उसके बाद तीन महीने वो खुद उस घर में रह रही है आप क्वेश्चन को रीड करिए ओवर स्मार्ट बन रहे को ठीक है और क्वेश्चन को रीड करके मुझे बताइए कि उसमें वैकेंसी नहीं है ना नहीं है वैकेंसी वैकेंसी तब होती है जब घर पे क्या लगा हो ताला क्या लगा हो ताला इसमें ताला लगा है क्या नहीं तो वैकेंसी नहीं है ये तीन महीने खुद रह रही है नौ महीने भाड़े पे इस प्रॉपर्टी को क्या मानेंगे एलओपी क्या मानेंगे एलओपी तो चलो अपन साथ, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यस सर तो लिखिए क्वेश्चन नंबर टेन पेज नंबर फोर्टी फोर नाम है राजा लक्ष्मी ये बोलते हैं कि बंदा पहले पता नहीं किसको पढ़ाता था <laughs> प्राइमरी केजी में पढ़ाता था क्या कौन सा किंडर गार्डन किंडर गार्डन ऐसे पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पेज नंबर फोर्टी फोर क्या हुआ मैं पहले श्रीमती राजा लक्ष्मी पढ़ाते थे सी पढ़ा क्या सीए फाइनल तो तुम्हारे से भी मतलब वो क्या बोलते वाहियात बच्चे रहते हैं वाहियात मतलब एकदम वो ऐसे वाले क्या बोलते हैं डबल मीनिंग वाले तो बिल्कुल नहीं होते बेचारे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ये प्रॉपर्टी एलओपी है तो आप ऊपर ही लिख लीजिए आपको लिख लेने का ऊपर ही कौन सी है पी. तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तू है ना चुप बैठ ये लड़की आंसर निकाल के बैठ गई बोलती आएगा नहीं आया मैं बाहर फेंक दूंगा तुझे फोर्थ फ्लोर से नीचे ठीक है क्या इंसुरेंस करवा ले चलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक कॉलम बनाओ रुपीस का और एक पर्टिकुलर का एक पर्टिकुलर का और एक रुपीज का कॉलम बनाओ चलो पर्टिकुलर और अमाउंट और लिखना चालू करो जैसा अपन हर बार लिखते हैं मेरे पास तो भगवान ने शक्तियां दे रखी है इन शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो आप चलिए ये दिख नहीं रहा है कि म्युनिसिपल वैल्यू कैसे लिखा है फेयर रेंट कैसे लिखा है तो अब तक तुमको याद हो जाना चाहिए ठीक है अब तो लिखो चुपचाप बिना देखे ठीक है इसको देख के नहीं लिखना है निकिता वॉल्यूम स्लो आ रहा है ना बेटा अब देख आज थोड़ा एडजस्ट कर लो ना कल है ना नया माइक आएगा तो उसमें थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा आएगा ठीक है हाँ चलो मुझे एक बात बताओ इसमें म्युनिसिपल वैल्यू कितना दे रखा है फाइव लैक है तो म्यूनिसिपल वैल्यू फाइव लैक ले लेते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू है वो 5 लाख फेयर रेंट कितना दे रखा है 4 लाख तो विच एवर इज हायर मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो ले लेंगे हाँ ज्यादा है।, है वो ले लेंगे ठीक है स्टैंडर्ड रेंट कितना है फोर लैख एटी थाउजेंड विच एवर इज लोअर जो नीचे दे रखा है वो ले लेंगे फोर लैख एटी थाउजेंड विच एवर इज लोअर एक्चुअल रेंट है नोट बनाते हैं देखो आप एक बार देख लो इधर इधर देख लो एक बार अरे भाई लोगों, इधर देखो एक बार इधर एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट कैसे निकालेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है एक्चुअल रेंट निकालने के लिए आपको क्या कर देगा पहले रेंट रिसीव प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट अब एक बात बताओ रेंट और रिसीवेबल कितना आएगा मतलब आपका यह घर नौ महीने के लिए भाड़े पे था हाँ नौ महीने के लिए भाड़े पे था ना तो पचास हजार पर मंथ का भाड़ा है मल्टीप्लाई नौ महीना यह नौ महीना कहां से आया पता चला ना फर्स्ट अप्रैल दो हजार तेबिस से लेके और थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार तेबिस तो मैं बोलू आपको चार लाख पचास हजार रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होना चाहिए भाई इतना रेंट अपने को आना चाहिए था बट आगे वाला पैसा खा के चला गया कितना पैसा खा लिया दो महीने का रेंट खाया कितना आया एक लाख रुपया तो एक बात बताओ यहाँ पे कितना आ गया थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड है ये आपका एक्चुअल रेंट होगा

उसमें सही दे रखा है वो क्या बोलता है बताए कि एक्चुअल रेंट यहां पे आप पूरा 450 लो और जो हायर आया 480 480 में से फिर आप जीएवी में से लेस करो अनरियलाइज्ड रेंट ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ये बोलता है कि आप जीएवी जो आएगा ना उसके बाद में आपको अनरियलाइज रेंट लेस करने का म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करने का ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न में बोला हुआ है बट लॉ में ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है तो दोनों ही व्यू पॉसिबल है तो मैंने ये ले लिया इसके नोट में मैं लिखवा दूंगा तो चलिए अब म्युनिसिपल टैक्सेस कितना, तो कितना परसेंट है 12 किसका लोगे आप म्युनिसिपल वैल्यू का लोगे तो म्युनिसिपल वैल्यू का ले लीजिए 12% कितना परसेंट है 12% कितना आया 60 60,000 तो ये तुम्हारा हुआ फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड इसका थर्टी परसेंट कितना दे रखा है 20, 25, और घर लोन है वो रिपेयर के लिए लिया है देखो ट्वेंटी तो पूरा अलाउ हो जाएगा लेकिन अगर एक बात बताओ इस ट्वेंटी फाइव की जगह फोर्टी थाउजेंड होता तो आप मुझे बताओ कितना अलाउ होता मैक्सिमम मैक्सिमम अरे पूरा अलाउ होता ना एल ओ पी में तो लिमिट ही तो नहीं होता वो तो एसओपी के लिए था ना मैं बोला ना last question तक भी आपके दिमाग में आएगा थर्टी थाउजेंड एंड टू लैख तो पूरा अलाउ हो जाता भले फोर्टी थाउजेंड होता तो अभी कितना है यहाँ पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पूरा ले लीजिए कितना बचा टू लैख टू लैक्स सिक्सटी नाइन थाउजेंड कॉपी करिए इसको वैकेंसी ah, नहीं है तो हायर वाला कॉन्सेप्ट चलो डन एक्चुअल रेंट हाँ समझा नहीं क्या बोल रही है तू और नहीं पड़ेगा एक्सपेक्टेड के हिसाब से इसके नीचे एक नोट लिखो इसके नीचे एक नोट लिखो इसके नीचे एक नोट लिखो लिखो नोट इन द प्रेजेंट क्वेश्चन इन प्रेजेंट क्वेश्चन अनरियलाइज रेंट इन द प्रेजेंट क्वेश्चन अनरियलाइज रेंट इज रिड्यूस इन द प्रेजेंट क्वेश्चन अनरियलाइज रेंट इज रिड्यूस वाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट वाइल कैलकुलेटिंग वाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट वाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट स्टॉप एज पर आई टी आर एज पर आई टी आर फॉर्म एज पर आई टी आर फॉर्म Alternatively, we can reduce. Alternatively, we can reduce. Actu we can reduce unrealized rent. Alternatively, we can reduce unrealized rent from gross annual value. From gross annual value. Full stop. If we reduce from gross annual value. रिड्यूस फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यून आंसर विल चेंज आंसर आपका अलग आएगा अगर आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू से इसको लेस करते हैं तो अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस करते हैं तो आपका आंसर चेंज आएगा अभी आंसर कितना आया है तो देखो ये आईसीआई का क्वेश्चन है आप बोर्ड पे देखेंगे एक बार ये सेम क्वेश्चन मैंने ICI के मॉड्यूल से लिया है अब एक बात समझना अपन ने जीएवी कैसे निकाला है सबसे पहले अपन ने क्या लिया फेयर रेंट और म्यूनिस्पल वैल्यू विच एवर इज हायर उसको कंपेयर किससे किया स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर ये एक्सपेक्टेड रेंट आया उसको कंपेयर किससे किया एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर अब देखो इंस्टीट्यूट क्या करती है पता है स्टेप वाइज निकालती है मतलब सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर उसको स्टेप वन में ले लिया ये बोलते हैं स्टेप वन कैसे किया एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए उन्होंने क्या किया सबसे पहले हायर ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट एंड रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट ये उन्होंने यहाँ लिया अपन ने भी वही किया है

GAV आ गया 480 GAV में से म्युनिसिपल टैक्स आपने लेस कर दिया और इसके बाद दो चीजें आपने और लेस कर दी और देखिए ये नोट ये अल्टरनेटिव में ये लोग भी देते हैं क्या देखो आप देखिए नोट में क्या लिखा है अल्टरनेटिवली एज़ पर इनकम टैक्स रिटर्न अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द GAV देन GAV वुड बी be 480 बीइंग द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट 480 and rent 450 and 1, 1, रहेगा. कैसे 1 रहेगा? आपको पता चला क्या एक काम करो ना देखो आपका वन लाख नाइन थाउजेंड कैसे रहेगा अगर आप जीएवी से लेस करते तो आप बताइए आपका जीएवी यहाँ पे कितना फोर एटी आता यहां 450 आता और यहां 480 आता 480 में से आप 1 लाख लेस करो पहले 380 आया इसमें से 60000 लेस करो 320 आया और उसका 30% लेस करो उसका 30% लेस करो कितना आया और उसमें से 25000 भी लेस करो 199000 तो आपने जो नोट लिखा ना वहां पे आपने लिखा ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट ऐसा लिखा है आपने ज एंड 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 कंटिन्यू कर लो एंड नेट इनकम इज वन लैख नाइंटी नाइन थाउजेंड नितिन हाँ आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो ठीक है आपकी मर्जी अच्छा ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे है ऑफलाइन वाले जितने भी बच्चे देखो ऑफलाइन में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना

एग्जाम्पल लेते हैं बंदे का नाम उमर आर वेरी गुड नाइस नेम उमर तो एक बंदा है जिसका नाम है उमर क्या नाम है उमर मिस्टर उमर उमर मतलब एज ऐसा मिस्टर उमर अब मिस्टर उमर जो बंदा है इसके बेसिकली तीन घर है कितने घर है तीन तीन घर है और तीनों में खुद ही रहता है तो उमर का ये पहला जो घर है तीनों घर मुंबई में है और ये जो पहला जो घर है ये मुंबई के अंधेरी में है एक घर अंधेरी में है दूसरा जो घर है वो मान लो मुंबई के बैंड्रा में है बैंड्रा में है और एक घर और है जो घर मुंबई के वसई में है वसई करके थोड़ा ऐसे रिमोट एरिया में आता है ठीक है रिमोट नॉट रिमोट एक्जेक्टली वसई रोड करके नाम है उसका तो वसई रोड में तीन जगह घर है और बेटा तीनों एसओपी है तीनों एस ओ तीनों में ये बंदा खुद ही रहता है दो दिन यहाँ पे रहता है दो दिन यहाँ पे रहता है दो दिन यहाँ पे रहता है एक दिन बाहर रहता है <laughs> ठीक है तो तीन घर है तीनों में ये खुद ही रहता है इसमें भी इसमें भी इसमें भी तीनों है वो एस है रेजिडेंस के लिए आप मुझे एक बात बताओ मैं ये कौन सा आपने उस दिन मूवी बोला था मूवी का नाम बोला था ना किस किस प्यार करूं करके ठीक है तो ये बंदा किस किस को प्यार करे तो किस किस को प्यार करे उसमें ये तीन घर है तीनों में अलग अलग रह रहा है दो दिन इधर दो दिन इधर दो दिन इधर अब एक बात बताओ जब ये ऐसा कर रहा है तो मुझे एक बात बताइए इसमें से दो घर तो एसओपी मानेंगे और एक घर को क्या मानेंगे डीएलओपी डीएलओपी क्या मानेंगे डीएलओपी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी तो इन तीनों में से कौन से दो घर को एसओपी माने और कौन से घर को डीएलओपी माने आप मुझे बताओ क्या लगता है आपको इन तीनों में से क्या अकड़ वक्कड़ बम्बे बो करे या ऐसे वो हाथ में से जो मतलब पहले छूटेगा वो डीएलओपी जो लास्ट में खरीदा होगा वो डीएलओपी वाओ जिसकी मिनट हेलो हेलो जिसकी म्यूनिसिपल वैल्यू काफी कम है एक कॉन्सेप्ट ये भी आया कहीं से अलग से हाँ, हाँ? जिसका स्टैंडर्ड रेंट वाओ एक अलग ही कॉन्सेप्ट और आया मतलब जो मर्जी आए मुंह में आए बक दो <laughs> क्या, क्या ही फर्क पड़ता है या जिसका इनकम कम आएगा हाँ जो दो घर का इनकम सबसे ज्यादा इनकम तो किसी का नहीं आ रहा है अभी तक लोन लेके रखा है तो जिसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा उसको डीएलओपी मान लो कोई बच्चा बोल रहा है कि सर जी जिसका जीएबी कम है उसको डीएलओपी मान लो जिसमें टैक्सेज ज्यादा मिलेंगे अपने को या गवर्नमेंट को अपने को थोड़ी मिलेगा चलो कोई बात नहीं जो असेसिंग ऑफिसर को लगे वो करे तो तुम क्या करोगे तुम्हारे पास ऑप्शन है ये देखो कुल मिला के मैं आपको बताऊं अगर आपके पास एसओपी दो है तो तो एग्जाम दो से ज्यादा है दो से ज्यादा है, है तीन घर है चार घर है सब एसओपी है तो आपको क्या करना पड़ेगा अलग अलग ऑप्शन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा में सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है इसको आपको तीन बार सॉल्व करना पड़ेगा कैसे सबसे पहले मैं ऑप्शन वन लूंगा और ऑप्शन वन में इस अंधेरी वालों को एसओपी ले लो वाले को एसओपी ले लो और इसको क्या ले लो डीएलओपी ऑप्शन टू में मैं इसको एसओपी लूंगा इसको डीएलओपी लूंगा और इसको एसओपी लूंगा और ऑप्शन नंबर थ्री में मैं इसको डीएलओपी ले लो इसको एसओपी ले लो और इसको एसओपी ले लो अब आप तीन बार क्वेश्चन को सोल्व करिए और तीन बार क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जिस ऑप्शन में नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कम आएगा या ज्यादा आएगा वो ऑप्शन लोगे जिस ऑप्शन में नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है वो कम आएगा वो वाला ऑप्शन आप एक्सरसाइज करोगे बड़ा सिंपल है कि भाई अगर मान लो ये तीन घर है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी अकड़ बक्कड़ नहीं कर सकते कोई 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 बोलता 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 है है इंटरेस्ट देखो देखो स्टैंडर्ड रेंट है म्यूनिसिपल वैल्यू देखो कोई बोलता है, है, है जीएवी देख लो ऐसा कुछ नहीं देखना है हाँ आपको क्या करना है तीन बार क्वेश्चन को सोल्व करना है और तीन बार क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जिस ऑप्शन में आपकी इनकम सबसे कम आती है वो वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है और जिस ऑप्शन में इनकम जो है वो ज्यादा आती है उसको छोड़ देना है मतलब जैसे मान लो मेरी ऑप्शन टू में इनकम सबसे कम आई तो ऑप्शन टू को मैं एक्सरसाइज करूंगा इसको और इसको एसओपी रखूंगा और इसको मैं क्या करूंगा डीएलओपी तो लिखो हेडिंग ओन मोर देन टू एसओपी ओनसी ओन मोर देन टू एसओपी एस ओन मोर देन टू एसओपीसी ओन मोर देन टू एस और उसके बाद ये फोटो बना दो जो बोर्ड पे दे रखा है जो बोर्ड पे दे रखा है इसको एज इट इज फोटो बना दो बस एस ओन मोर देन टू एसओपी और ये फोटो बना दो कल से लेक्चर यहाँ से रहेगा ना अलग फील मतलब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया ना हाइट बढ़ गई थोड़ी मेरी कॉपी करने को बोला है बाबू ये बहुत बोलता है बहुत बोलता है बंदा हेलो 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 चेक 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 वन टू थ्री वन टू थ्री माइक टेस्टिंग अरे हुआ क्या जाल जाल संपल असे बोलते ना संपल जाल इट्स जाल चलो क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आओ भाई क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आ जाओ गणेश वाले क्वेश्चन पे मिस्टर गणेश गणेश का नाम आते बोलते लड्डू खाने का मन कर रहा है हमारा चलो कोई बात नहीं अभी भंडारा कहीं पे लगेगा गणेश चतुर्थी आ रही है जितने पंडाल लगेंगे सुबह निकलना एक दिन ब्रेक लेके और लेक्चर ऑनलाइन देखते जाना उसपे मोबाइल पे और पूरे दिन सिर्फ प्रसाद खाना ठीक है यही होता है ना अपन पंडालों में लोग क्यों जाते हैं प्रसाद खाने ही तो जाते हैं थोड़ी ऐसा लगता है भगवान यहाँ पे आ जाएंगे और प्रसाद खाने मेन ऑब्जेक्टिव आरती में मैं तो ताली भी यही बजाता हूँ इसलिए ठीक है क्या प्रसाद मिलेगा तुम लोग नहीं खाते प्रसाद मैं तो बहुत खाता हूँ मैं घर पे ले आता हूँ जेब में डाल के अरे सच्ची मैं घर पे ले आता था प्रसाद तीन दिन तक तो खाता था उसको और गणेश विसर्जन होता है ना वहां पे वो बांटते हैं पता है तुमको भाई साहब मैं पूरा मैं उस दिन छुट्टी लेता था पढ़ाने से क्योंकि उस उस दिन दिन प्रसाद मिलती थी बहुत ज्यादा मैं उस दिन पढ़ाता ही नहीं था जिस दिन विसर्जन वाले दिन मैं छुट्टी ले लेता था और वो जितने गणपति निकलते थे सबको मैं हाथ जोड़ता था और वो प्रसाद दे ही देते थे आपको तो मैं ले लेता था प्रसाद सेम टू सेम बोले ये भी हम भी सेम है ऑनलाइन वाले तो क्या हाँ भाई स्ट्रगल क्या है उसमें मैं तो आज भी वही करता हूँ तुम्हारे गणेश चतुर्थी वाले दिन छुट्टी होगी ठीक है और मैं प्रसाद खाने जाऊंगा चलो गणेश हैज थ्री हाउसेस गणेश के भाई साहब पास में तीन घर है एंड ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड जितने भी हाउस है वो बंदा सेल्फ ऑक्युपाइड करके बैठा है करके ठीक है खुद ही रह रहा है

ये पहला घर है ये 99 में कंस्ट्रक्ट हुआ था दूसरा 2002 में और तीसरा 2015 में म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इस साल म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया वो भी आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर मीन्स आपने प्रॉपर्टी के रिपेयर के लिए लोन लिया था और रिपेयर के लिए लोन लिया उसका इंटरेस्ट है 55,000 हाउस टू का

तीसरे वाले का तो ऊपर या तो यहाँ 2016 तो कर दीजिए या फिर यहाँ 2015 कर दीजिए जैसा आपको लगे वैसा कर दो ऊपर 2016 कर दीजिए आपसे पूछा है कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट एयर 2425 सजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश फॉर द असेस्ट एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट हिज टैक्स लाइबिलिटी इज मिनिमम आपको ये बताना है इसमें से कौन से घर को एसओपी लेना चाहिए और कौन से घर को डीएलओपी लेना चाहिए जिससे कि गणेश का इनकम कम हो हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी में गणेश का इनकम कम हो तो चलो अपन एक काम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे तो तीन ऑप्शन से क्वेश्चन को करेंगे तीन बार क्वेश्चन को करेंगे और सोचो तुमको तीन बार फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और बोले आप तीन बार कॉपी करोगे ठीक है नहीं मैं भी बनाऊंगा इस बार ठीक है मैं ईमानदारी से अब तुम्हारे साथ साथ फॉर्मेट भी बनाऊंगा ठीक है चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर नंबर पेज मतलब नौ कॉलम बनाओगे नहीं मतलब नहीं दो दो, दो, दो छह बना के कर सकते ऐसा करके ठीक है बट वो नहीं करना है नहीं नहीं ये थोड़े पेज ज्यादा भरने के कभी भी एग्जाम में भी तो यू विल फील बेटर कौन सा दूसरा तरीका और हो सकता है इसको करने का मैं बता दूंगा बट ऐसा नहीं करना है कि एक ही साथ में कॉलम बना दो। नहीं आपको तीन बार क्वेश्चन को करेंगे अपन कैसे तीन बार क्वेश्चन को करेंगे तो देखो गणेश सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन वन सबसे पहले ऑप्शन वन और ऑप्शन वन में एक काम करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी वन हाउस प्रॉपर्टी वन एंड हाउस प्रॉपर्टी टू ये दो जो हाउस प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी वन एंड हाउस प्रॉपर्टी टू ट्रीटेड एज एस एंड हाउस प्रॉपर्टी थ्री ट्रीटेड एज डी एल ओ पी हाउस प्रॉपर्टी वन एंड हाउस प्रॉपर्टी टू इन दोनों को एसओपी मान लो और हाउस प्रॉपर्टी थ्री को डीएलओपी मान लो तो चलिए अब यहां पे आपका प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस असेसमेंट ईयर आपका चौबीस पच्चीस और हम कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दो कॉलम बनाइए एक एसओपी का और एक डीएलओपी का एसओपी तो दो प्रॉपर्टी एसओपी है तो एक ही कॉलम में आ जाएगी वो तो तुम्हारा दो कॉलम अमाउंट वाले एक तो हाउस प्रॉपर्टी वन एंड हाउस प्रॉपर्टी टू इसको क्या माना है एसओपी और हाउस प्रॉपर्टी थ्री को क्या माना है डीएलओपी अब आप एक काम करिए लिखिए सब म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट वो सब जो आता है वो लिखिए अब एक बात बताऊ मेरे हाथ में लगी हुई है मेहंदी ठीक है बोले किसके नाम की लगी हुई है आपको इतना ध्यान नहीं देना है ठीक है किसके नाम की लगी हुई है क्या होगा या मेरे हाथ में सच्ची दर्द है इसलिए मैंने कॉपी किया है बट तुम लोग मत करो ऐसा क्या हुआ ये मेरी है ना बहुत बेचती करते हो तुम लोग पता है इतनी बेचती करते है ना मेरी अच्छा तुमको छोटा फील होता है ऐसे कॉपी करते हो तो तुम छोटे बच्चे ही तो हो मैं ऐसा फील होता है नहीं बच्चे को इसको इतना भी नहीं आता ऐसा लगता होगा ना कि बंदे को इतना भी नहीं आता इधे भी कॉपी करते है क्या चलो हाँ भाई हाँ तो मुझे बताओ एसओपी में तो हर जगह क्या आता है डैश पे डैश सिर्फ एक ही चीज आती है क्या इंटरेस्ट ऑन लोन और वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी और टू दोनों को मिलाओ पहले हाउस प्रॉपर्टी आप एक बार बोर्ड पे ध्यान दो हाउस प्रॉपर्टी और इन दोनों को मिला के मुझे बताइए आपका इंटरेस्ट कितना है सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी टू का फिफ्टी फाइव थाउजेंड है और ये लोन किस लिए ले रखा है रिपेयर के लिए मुझे बताओ मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा थर्टी थाउजेंड बोलने में अब इनको है ना ऐसा शर्म आती है ठीक है क्या शायद हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं ठीक है भाई एक ये आप, आप एसओपी मान रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान रहे हो तो मुझे बताओ ये दोनों को जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान रहे हो तो एसओपी में इंटरेस्ट की लिमिट होती है और एसओबी में स्पेशल केस में मैक्सिमम कितना दो लाख और बेटा जनरल केस में कितना तीस हजार और स्पेशल केस में क्या क्या आता है तो मैं बताऊं स्पेशल केस में वो तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए

बाकी केसेस में कितना मिलेगा थर्टी थाउजेंड एक बात बताओ यहाँ पे लोन रिपेयर के लिए लिया हुआ है तो एसओपी के केस में दोनों को एसओपी का. का? तो तो जो लेना है इस ऑप्शन नंबर वन में इंटरेस्ट ऑन लोन है वो मैक्सिमम आपका थर्टी थाउजेंड यहाँ अलाउ होगा तो इसका इनकम आपका माइनस थर्टी थाउजेंड होगा इसका एसओपी का अब मुझे बताओ हाउस प्रॉपर्टी थ्री में फटाफट फटाफट मुझे बताओगे आप लोग हाउस प्रॉपर्टी थ्री है उसको डीएलओपी मान रहे म्यूनिस्पल वैल्यू कितना दे रखा है थ्री लैख थर्टी थाउजेंड मुझे बताइए रेंट कि, कितना दे रखा है थ्री लैख एटी थाउजेंड हायर कितना आ गया थ्री लैख एटी थाउजेंड स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपका एक्चुअल रेंट तो इसमें आएगा ही नहीं तो थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना परसेंट दे रखा है कितना दे रखा है बाबू सिक्स परसेंट तो आप एक काम करो म्यूनिसिपल वैल्यू का सीधा सिक्स ले लो कितना आया कितना आया सिक्स दे रहा है आर यू श्योर एक बार चेक कर लो तो यहाँ पे आपको जो म्युनिसिपल टैक्सेज है वो आपको दे रखा है सिक्स परसेंट तो सिक्स परसेंट आपको लेना है किसका म्यूनिसिपल वैल्यू का और म्यूनिसिपल वैल्यू का आप अगर सिक्स परसेंट लोगे तो कितना आएगा 800. अब एक बात बताओ, बचा कितना हा थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड इसका थर्टी परसेंट करो वन लैख उजेंड फाइव अब एक बात बताओ इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ है क्या हाउस प्रॉपर्टी थर्ड का है ना इंटरेस्ट ऑन लोन है या नहीं है कितना है one, like 75, अब एक बात बताओ यहां पे कोई लिमिट लगेगी क्या नहीं डीएलओपी के, के केस में कुछ भी लिमिट नहीं लगती वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड को आप लेस कर दो कितना बचा सेवेंटी थ्री थाउजेंड 640 इनकी नेट करके मुझे बताओ यहां सेटअप करने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑप्शन वन में कितना आया फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्सेंड आया फोर्टी थ्री आया देखो जो तीस हजार और दो लाख एसओपी में लिमिट था ना वो लिमिट एक घर का नहीं था दोनों का मिला के था जो दो लाख एसओपी में लिमिट होता है ना इंटरेस्ट का एंड जो थर्टी का जो लिमिट है, वाले का, ये दोनों का मिला के होता है ऐसा नहीं कि एक का है ये जैसे ही कॉपी हो जाए तो बोलना डन डना डन डन एक बार हो जाए तब बोलना है सिर्फ बोलना नहीं है ऑनलाइन वाले बच्चे अभी कर रहे हैं करो करो बेटा हाँ आराम से सोच रहे होंगे इस बंदे को सीए बनाया कैसे ऐसा नहीं सोचते छोटे बच्चों जैसे पढ़ा रहे एक्सपेक्टेड था ऐसा मेरे से अच्छा रेस्पेक्ट देते हो वेरी गुड थैंक यू थैंक यू फॉर योर रेस्पेक्ट धन्य हो गया मैं तो क्या हाँ मेरा एक छोटा बेटा है वो कभी कभी मुझे क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं बता नहीं पाता यार वो कुछ भी पूछता है करके ठीक है फिर वो बोलता है आप कैसे ही पढ़ाते होंगे बड़े बच्चों को बहुत हाँ? छोटा छह साल का चलो डन अरे बोलो डन डन हाँ अब एक बात बताओ ये ऑप्शन वन था अब आपको लेना है ऑप्शन टू तो एक काम करो ऑप्शन टू लिखो यहां पे ऑप्शन टू और ऑप्शन टू में लिखो अपन एक काम करते हैं हाउस प्रॉपर्टी वन एंड हाउस प्रॉपर्टी थ्री आर ट्रीटेड एस एसओपी एंड हाउस प्रॉपर्टी टू ट्रीटेड एस डी एल ओ चलो अब आप करके बताओगे मुझे हाँ भाई आप करके बताओगे चलो करो ट्राई करो हा हाउस प्रॉपर्टी वन एंड थ्री रिया नितिन सर अगर पार्टली हाँ हाँ सही बोल रहे नितिन विमलेश विमलेश क्या नाम है ना विमलेश जैसे दो नाम को मर्ज कर लिया हो विमल और कमलेश को विमलेश मस्त है ना विमलेश विमल पान मसाला दाने-दाने में केसर का दम बोलो जुबा केसरी ऐसा ऑप्शन वन का आंसर था फोर्टी थ्री सिक्स फोर्टी का इनकम अब आप ऑप्शन टू कर रहे हो सब लोग अब आप ऑप्शन टू कर रहे हो सब लोग और ऑप्शन टू में बोले तो ना बहुत बोलते हो आप क्या आप बात कर रही हो बेटा बहुत आगे जाओगी तुम एक दिन नहीं मैं ऐसा वापस नहीं बोलूंगा ऑप्शन टू ऑप्शन टू में आप मुझे एक बात बताइए ऑप्शन टू में हमने हाउस प्रॉपर्टी वन एंड हाउस प्रॉपर्टी थ्री को क्या माना है एसओपी एंड हाउस प्रॉपर्टी टू क्या माना है डीएलओपी हा अब एक बात बताओ हाउस प्रॉपर्टी वन एंड थ्री को एसओपी और हाउस प्रॉपर्टी टू को डीएलओपी तो हाउस प्रॉपर्टी जो तुम्हारा वन और थ्री है उसमें इंटरेस्ट सिर्फ एक लाख पिछहत्तर हजार ही है और एक माम मैं बताऊं ये तो आपने परचेज के लिए लोन लिया था तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा दो लाख का तो पूरा वन फाइव मिल जाएगा जब वन और थ्री ये दोनों एसओपी है तो यहाँ पूरा वन सेवेंटी फाइव का इंटरेस्ट मिल जाएगा अरे बोलो ना हा हाँ। तो वन डैश में से 175 को लेस किया तो माइनस वन बेटा हर चीज का टाइमिंग होता है बिना टाइम पे बिना चीजें नहीं बोली जाती ये बंदी बहुत हंसती है पता नहीं क्यों इतना कौन हंसता है हाँ 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 गणेश हाउस टू को डीएलओपी माना तो म्यूनिसिपल वैल्यू थ्री सिक्सटी दे रखा है फेयर रेंट कितना दे रखा है टू सेवेंटी फाइव तो हायर थ्री सिक्सटी और स्टैंडर्ड रेंट वेरी गुड बेटा वेरी गुड थ्री सिक्सटी ये डैश आ गया थ्री सिक्सटी आठ परसेंट उजेंड एट हंड्रेड तो कितना बचा एक बात बताओ मुझे हाउस प्रॉपर्टी जो टू है इसको आप डीएलओपी मान रहे हो और इसमें बाबू इंटरेस्ट पचपन हजार का है और यह आपने लोन लिया था रिपेयर के लिए मुझे बताओ इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाव होगा मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाव होगा मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलग होगा राइट आंसर इस पूरा अलग हो जाएगा ना एलओपी, डीएलओपी में कोई भी लिमिट नहीं होती तो जितना इंटरेस्ट है वो पूरा अलग हो जाएगा तो यहां पे कितना इंटरेस्ट होगा अलग होगा फिफ्टी फाइव और थ्री लेख थर्टी वन का करो पहले थर्टी परसेंट नाइनटी नाइनटी नाइन थ्री सिक्सटी इन दोनों को लेस करो वेंटी एट फोर्टी तो एक बात बताओ मुझे नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया वन एट पॉजिटिव वन एट फोर जीरो बस वन एट फोर जीरो वन एट फोर जीरो डन यार ऑनलाइन वाले तो एकदम जोरदार लोग है ना यार सबके आंसर सही आ गए स्नेहा तुम्हारा भी आंसर सही है अरहाम का भी सही है अभी का भी सही है रिया का भी सही है भाई साहब सर क्वेश्चन की पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं आप टेलीग्राम ग्रुप में देखोगे वहां पे भी मिल जाएगी क्या बात कर नहीं मिल रहा था पेपर वो इतना बच्चे मैसेज करते हैं ना सच्ची मैं इनको है ना एक काम करूंगा एक ग्रुप है ना वो वन साइडेड बनाऊंगा जिसमें मैं ही चीजें डालूंगा वो बच्चे बहुत बात करते इतना बात करते हैं ना और कुछ भी कुछ बात करते हैं खाना खाया और वहां बोलते तुम कौन से कास्ट में हो और तुम भी ब्राह्मण हो क्या मैं भी ब्राह्मण हूं ठीक है शादी करनी है तुमको अच्छा तुम अलाहाबाद से हो हम भी प्रयागराज से है करके ठीक है एक ही होता है हाँ, इलाहाबाद और प्रयागराज ही है अच्छा उसमें सेक्शंस भी होते क्या ग्रुप में आजकल मैं सच्ची मेरे को टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है वो तो भी है ना तुम लोग एक काम करना एक तो मैं वो सेक्शन बना दूंगा और तो भी है ना एक ग्रुप आप ज्वाइन करना जो ग्रुप है एट द रेट करके ठीक है बीबी सर डीटी करके बस इतना सा नाम है बीबी सर डीटी सब लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करना और ये वेरीफाइड चैनल है मतलब इसके ऊपर ऐसे ब्लू सब्सक्राइबर है तो वो वाला वन वे वाला है वो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो अभी उसमें डालूंगा ना मैं मैं अभी मेरे को पता चल गया हाँ तो ये बीबी सर डी इसमें मैं अभी तुम्हारे लिए अभी क्या ना नवंबर वालों का एग्जाम है तो उनके लिए थोड़ा डालेंगे बट इसके बाद में तुम्हारे लिए कंटिन्यू करेंगे ठीक है हाँ बुक कितने दिन में मिलेगी बेटा बुक तो हम डिस्पैच कर चुके इक्कीस तारीख से चलो अब एक बात बताओ ये ऑप्शन टू हो गया अब ऑप्शन थ्री भी कर लिया तुमने करो करो ऑप्शन थ्री भी करो बेटा किसके लिए वेट कर रहे हो ऑप्शन थ्री में क्या करना है ऑप्शन थ्री में आपको करना है हाउस प्रॉपर्टी टू एंड थ्री को क्या मानना है एसओपी राइट टू एंड थ्री को एसओपी मानो और वन को क्या मानो डीएलओपी चलो ऑप्शन थ्री का आंसर आ गया भाई साहब संस्कृति का ऑप्शन थ्री का दस हजार छह सौ आंसर भी आ गया ग्रेट संस्कृति अविनाश का आया फोर्टी फोर एट हंड्रेड कॉन्सेप्ट बुक अभी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी कॉन्सेप्ट लिखवा रहे आपको क्लास में लिखना है पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारे हाँ चलो चेक करेंगे मिनट आराम से ट्राई करो सब लोग चलिए ट्राई करिए सब लोग ट्राई करिए तुम लोग हो जम्मू कश्मीर वाले उधर वाले लोग बहुत दूर बैठे हैं इधर कश्मीर, वाल, वाल, कश्मीर वाले उधर कन्याकुमारी वाले इधर जम्मू कश्मीर वाले हाँ भाई रिपेयर का आई डोंट नो रिपेयर का इंटरेस्ट तीस हजार लेना है यानी आई डोंट नो आई डोंट नो यू मस्ट नो इनटीन एट हंड्रेड नाइनटीन एट हंड्रेड आया किसी का आंसर नाइनटीन एट हंड्रेड थर्टी एट क्या बोल रहा है बाबू भगवान आप एक तो इस उम्र में साठ साल की उम्र में इधर उधर भगाते हैं बोल बेटा बोल फोर्टी एट हाँ भाई यस पीपल सो राइट आंसर आया किसी का फोर्टी एट हंड्रेड है किसी का फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड है किसी का नाइनटीन एट हंड्रेड है किसी का फोर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड है भाई साहब अलग ही लेवल पे अलग अलग आंसर है यार अरे रे रे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना हाँ चेक करते हैं चेक करते हैं हाँ इसमें एक ट्रिकी पॉइंट था जहाँ आपने गलती की होगी और मैं चाहता था यहाँ गलती करो एक बार तो जिससे वापस कभी ना कर पाओ आ गुड मॉर्निंग चलो एक बात बताओ हाउस प्रॉपर्टी टू एंड हाउस प्रॉपर्टी थ्री इसको क्या मानना है एसओपी एंड हाउस प्रॉपर्टी टू को क्या मानना है डीएलओपी अब एक बात बताओ ओ माय गॉड गलती कर दी मैंने हाउस प्रॉपर्टी वन चलो अब एक बात बताओ गलती तुमने कहा की है वो बताता हूं जब ये हाउस प्रॉपर्टी टू है और हाउस प्रॉपर्टी थ्री है इसको क्या मान रहे हो क्या मान रहे हो क्या मान रहे हो क्या मान रहे हो एसओपी तो मैं बताऊं इसमें कुछ भी चीज का डिडक्शन नहीं मिलता सिर्फ इंटरेस्ट का मिलता है अब आपने दिमाग ऐसा लगाया होगा कि इधर एक पिछहत्तर दो लाख की लिमिट में है और इधर पचपन में से तीस ऐसा लगाया दिमाग और इधर एक पचहत्तर दोनों मिला के कितना हुआ दो पांच तो क्या दो पांच अलाउ होगा एक चीज ध्यान रखना देखो एसओपी के के केस में अगर केस में आता है तो मैक्सिमम दो लाख जनरल केस में आता है तो थर्टी थाउजेंड बट कभी भी आपका एसओपी के के केस में दोनों हाउस का मिला के इंटरेस्ट है ना वो मैक्सिमम दो लाख से ज्यादा अलाउ नहीं होगा मैक्सिमम जो है वो दो लाख से ज्यादा अलाउ नहीं होगा मिस यहां आप पचपन में से तीस लोगे बट मैक्सिमम आपका दो लाख से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता एसओपी के, के केस में एक अपर लिमिट है वो दो लाख है मैक्सिमम के एसओपी के केस में दो लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा तो मैक्सिमम आपका जो है वो एसओपी के, के केस में दो लाख इंटरेस्ट ही अलाउ होगा तो चलिए हम एक काम करते हैं यहां पे आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो दो लाख रुपया लेंगे मैक्सिमम दो लाख क्योंकि यहां पे आपका नो डाउट वन सेवेंटी फाइव दे रखा है और दूसरा आपका पचपन दे रखा है बट मैक्सिमम आपका जो है वो दो लाख ही अलाउ होगा तो मैक्सिमम के एसओपी के केस में आपका दो लाख का डिडक्शन मिलेगा तो दो लाख इसको माइनस में ले लीजिए अब एक बात बताओ हाउस प्रॉपर्टी वन को डीएलओपी लिया तो आपका म्यूनिसिपल वैल्यू कितना देर का है थ्री लेख रेंट कितना देर का है थ्री सेवेंटी फाइव ये कितना आ जाएगा थ्री सेवेंटी फाइव अब एक बात बताओ स्टैंडर्ड रेंट कितना देर का है थ्री लेख फिफ्टीन फाइव जीरो लोअर थ्री फिफ्टी आया एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं थ्री फिफ्टी थर्टी थर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री लैख थर्टी परसेंट कितना हुआ टू हंड्रेड और ये कितना इंटरेस्ट है ही नहीं कितना बचा टू लेख एट हंड्रेड तो यहां पे आपका नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आया नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड मुझे बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सही है ऑप्शन वन ऑप्शन टू या ऑप्शन थ्री ऑप्शन वन में इनकम आ रही थी 43640, ऑप्शन टू में इनकम आ रही है 1840 और ऑप्शन थ्री में इनकम आ रही है 19800। तो आप कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे टू क्योंकि टू में इनकम सबसे क्या आ रही है कम टू में इनकम आ रही है सबसे कम तो चलिए इसको अगर कॉपी कर लिया हो तो इसके नीचे नोट लिखिए मैं इंटरेस्ट वाले के लिए एक नोट लिखवा लेता हूं क्या हुआ क्या हाँ प्रैक्टिकली भी वैसे ही करना है देखो नोट वन इंटरेस्ट के लिए मैं लिखवा लेता हूं इसमें तीसरे ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन लोन तो हाउस प्रॉपर्टी टू जो है दट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर तो रिपेयर के लिए ले जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट कितना है फिफ्टी फाइव थाउजेंड है लेकिन इसमें मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा तीस हजार मैक्सिमम अलाउड इसको ए बोल देते हैं तीस हजार दूसरा हाउस प्रॉपर्टी थ्री इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना है वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड मैक्सिमम लिमिट जो परचेज के लिए होती है टू लाख तो आपका यहां वन सेवेंटी फाइव आया इसको बोल देते हैं बी नौ मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड दैट इज ए प्लस बी ए प्लस बी मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड ए प्लस बी रेस्ट्रिक्टेड टू ए प्लस बी रेस्ट्रिक्टेड टू रुपेज टू लाख रेस्ट्रिक्टेड टू रुपेज टू लाख इसके नीचे लिखिए कंक्लूजन इसके नीचे लिखिए कंक्लूजन इसके नीचे लिखिए कंक्लूजन इसके नीचे लिखिए कंक्लूजन कंक्लूजन में लिखिए सिंस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिंस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिंस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज लोअर इन ऑप्शन टू since income from house property is lower in option 2 lower in option 2 that is 1840 that is 1840 1840 so mr ganesh should so mr ganesh should opt so, Mr. Ganesh should opt house property 1 and house property 3. So, Mr. Ganesh should opt house property 1 and house property 3 as SOP. As SOP. And house property 2. And house property 2. एस डीएलओपी हाउस प्रॉपर्टी टू एस डी एल ओ पी हाउस प्रॉपर्टी टू एस डी एल ओ पी डन हेडिंग दीजिए एक लाइन छोड़ के हेडिंग दीजिए जॉइंट ओनरशिप हेडिंग दीजिए जॉइंट ओनरशिप जॉइंट ओनरशिप या ब्रैकेट में लिखिए को ओनरशिप जॉइंट ओनरशिप या ब्रैकेट में लिखिए को ओनरशिप को ओनरशिप ज्वाइंट ओनरशिप या ब्रैकेट में क्या लिखा आपने को ओनरशिप को ओनरशिप किसको बोलते कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों ज्वाइंट ओनरशिप या को ओनरशिप किसको बोलते, किसको बोलते बताओ हाँ? हाँ भाई बहुत बार ऐसा होता है कि कोई घर में दो ओनर है या तीन ओनर है जैसे मान लो मेरा एक घर है मैंने और सार्थक ने मिलके एक घर लिया और उसको भाड़े पे दे दिया तो भाड़ा आ रहा है उसका तो क्वेश्चन ये आता है कि उसमें फिर क्या करने का या फिर मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके एक घर लिया और हम उसी में पड़े हैं उसी में रहते हैं करके ठीक है एसओपी है, है तो क्या होगा तो जॉइंट ओनरशिप या फिर को ओनरशिप के बेस में क्या करने का उस केसेस में क्या करने का तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि पहले आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो जैसे ये जॉइंट ओनरशिप का क्वेश्चन ही नहीं है सिंगल ओनर है और आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल दो जैसे एसओपी है तो वैसे एलओपी है तो वैसे जैसा है। अपने भाड़े पे दे रखा है तो पूरा म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर एंड पूरे घर का ले लो और जो भी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा ना उसको फिर आप जो ओनर है उनके बीच में डिवाइड कर दो इन देर ओनरशिप रेशियो जो जितने पार्ट का ओनर है उसके ओनरशिप रेशियो में उसको डिवाइड कर दो तो जैसे मेरा और सार्थक का एक घर है हम दोनों को ओनर है हमने उसको भाड़े पे दे रखा है और भाड़े पे दे रखा है उससे रेंट आ रहा है तो हम हाउस प्रॉपर्टी का पहले इनकम नॉर्मल निकाल देंगे और जो भी नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगी वो हम दो कोनर के बीच में डिवाइड कर देंगे ऑफ ओनरशिप तो लिखिए लिखिए इट मींस तीन ओनर है तो तीन में बांटो पांच है तो पांच में बांटो इट मींस हाउस प्रॉपर्टी इज ओन बायम हाउस प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी इज ओन बाय मोर देन वन ओनर फुल स्टॉप इन दिस केस एक शाह हाँ लिखना मत एक शाह मैसेज कर रही है पता नहीं क्या करती है मैसेज बोलती है सर मेरे मैसेज दिख रहे हैं दिख रहे हैं सब दिख रहे मुझे तुम सब लोगों के मैसेज दिखते तुम बस मेरे को देखो बस ठीक है तुम सिर्फ मेरे को देखो बस बाकी कुछ मत देखो तो आपने क्या लिखा इन दिस केस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड नॉर्मली इन दिस केस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड नॉर्मली इन दिस केस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड नॉर्मली And thereafter, and thereafter, and thereafter, it should be divided between co owners, and thereafter, it should be divided between co owners, divided between co owners in their ownership ratio. It should be divided between co owners. इन देर ओनरशिप रेशियो इन देयर ओनरशिप रेशियो अब एक बात समझना यहां पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आती है क्या देखो अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन ये मुझे एक बात बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलग होता है एलओपी डीएलओपी में एलओपी डीएलओपी में तो अगर एलओपी है या डीएलओपी है तो नो लिमिट हाँ लेकिन गाइस अगर एसओपी है तो उसमें लिमिट होती है और लिमिट कितनी लगती है लिमिट ऑफ रुपीस थर्टी थाउजेंड और टू लेख ये लिमिट लगती है ओनरशिप में एक फायदा है क्या कि ये जो लिमिट है ना थर्टी थाउजेंड और टू लैख की ये लिमिट मल्टीप्लाई हो जाती है बाय नंबर ऑफ मतलब जितने को ओनर है ना उससे ये लिमिट मल्टीप्लाई होगी तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब अपन एसओपी के लिए घर लेते हैं ना तो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि मम्मी पापा अगर दोनों के नाम पे घर है

सेम गांव से सबको सब लड़कियों को नाम याद है तनेश, ठीक है, तो आकांक्षा और तनिष मान लो इनकी शादी हो गई अब शादी के बाद नहीं नहीं अरे रहने दो छोड़ो रहने दो मेरी और मेरी बीवी की शादी हो गई ठीक है अब एक बात बताओ मेरी और मेरी और नहीं तो तुम लोग क्या बेचारे बच्चों को शादी के बाद हमको एक घर लेना था क्या हमारा एक सपना घर हो अपना करके ठीक है तो हमारा एक, हमने देखा एक सपना घर हो अपना करके ठीक है तो हमारा जो घर लेना था तो मैंने और मेरी वाइफ ने क्या किया जॉइंट नाम पे घर लिया और लोन भी हमने दोनों ने लिया और लोन का इंटरेस्ट हम दोनों पे कर रहे हैं मेरी वाइफ भी इंटरेस्ट पे कर रही है मैं भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और अगर एसओपी देखो एलओपी है डीएलओपी है तो ऐसे भी कितना भी इंटरेस्ट है वो अलग हो जाएगा बट एसओपी में लिमिट होती है थर्टी थाउजेंड की और टू लैक की ये लिमिट विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ को ओनर मतलब जितने को ओनर है उतने से ये लिमिट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो दो को ओनर है तो सिक्सटी थाउजेंड एंड फोर लैख हो जाएगी अगर तीन को ओनर है तो नाइनटी थाउजेंड एंड सिक्स लैख हो जाएगी तो जितने को ओनर बढ़ेंगे वैसे ही ये इंटरेस्ट की लिमिट है वो भी बढ़ जाती है चलिए एक काम करिए फटाफट हाँ बढ़ाओ बट बढ़ सब इंटरेस्ट भी तो पे करने चाहिए सबकी औकात वो भी तो होनी चाहिए ऐसे ही कौन आपकी बीवी अगर मान लो कमा नहीं रही है तो फिर वो क्या इंटरेस्ट पे करेगी वो अर्निंग होनी चाहिए वो इंटरेस्ट पे कर रही है तेरे थ्रू कैसे पे कर रही है तूने क्या दिया उसको तूने उसको पैसा दिया और उस पैसे से उसने इंटरेस्ट पे किया ऐसा बोल रहा है हाँ कर सकते कोई दिक्कत नहीं बढ़ा दो कर सकते देर इज अ पॉसिबिलिटी हाँ हाँ मतलब कैसा होता है ना भाई अगर वाइफ की अर्निंग होगी तभी तो वाइफ टू लेख का डिडक्शन लेगी टू लेख इंटरेस्ट वाइफ की अगर इनकम ही नहीं है कुछ तो टू लेख का इंटरेस्ट क्या करेगी वो डिडक्शन का समझ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली इनकम है टू लैख माइनस आई तेरी वाइफ की तो उसकी पॉजिटिव कोई ना कोई इनकम होगी उसी से सेटअप करेगी तो ही फायदा होगा ना समझ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो हाँ चलिए एक काम करिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आ जाइए

अगर किसी का लेना देना है तो मात्र क्या हो सकता है सहयोग मात्र हो सकता है उससे ज्यादा नहीं so don't take it otherwise. नहीं तो क्या होगा ना तुम भी बच्चे शाम को सात बजे तक क्लास अटेंड करते हो पग जाओगे करके ठीक है अगर मैं आठ बजे तक अगर मैं थोड़ा ऐसे बोर करने लगूंगा ना तो बोले एक तो टाइम साढ़े बारह बजे का होता है ठीक है सुबह से बैठे हो तो इसके लिए चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर मिस्टर रमन इज अ को अलोंग विद हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी तो रमन और उसका भाई दो को ओनर है इस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज वन सिक्सटी

पहली चीज तो ये बताओ कि ये प्रॉपर्टी एसओपी है एलओपी है या डीएलओपी है ये प्रॉपर्टी एसओपी है एलओपी है डीएलओपी का तो सवाल ही नहीं है एसओपी है या एलओपी है एसओपी है या एलओपी है एसओपी या एलओपी ये प्रॉपर्टी एसओपी है या एलओपी है कितने लोग बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी एलओपी है रेज योर हैंड एलओपी कितने लोग बोलते एस एस आएस 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 लो एस हैं कि प्रॉपर्टी एसओपी है योर हैंड वाले खड़े हो जाओ सब लोग लोग जो सब खड़े हो जाओ सब लोग खड़े हो जाओ सब लोग खड़े हो जाओ एसओपी वाले खड़े हो जाओ अरे खड़े हो जाओ उधर भी थे छह सात खड़े हो जाओ उधर उधर हो जम्मू कश्मीर वालों ऑनलाइन वाले जो घर पे बैठे तुम घर पे ही खड़े हो जाओ तुम लोग इतने गलत देवेंद्र कैसे हो सकते हो इतने गलत कैसे हो सकते हो जब यहाँ पे वर्ड दे रखा है रेंट रिसीव्ड तो तुमने कैसे सोचा ये एसओपी है हाँ नीचे वो टेनेंट का और वो कुछ दे रखा है एक बात बताओ कैसे तुम इतना गलत सोच सकती हो यहां लिखा है रेंट रिसिव तो जब रेंट रिसिव्ड लिखा है मतलब आपको भाड़ा मिल रहा है और भाड़ा मिल रहा है तो ये क्या होगा एलओपी क्या होगा एलओपी बैठो शर्म आ रही हो तो बैठ जाओ अब एक बात बताओ अब एक बात बताओ ये प्रॉपर्टी एलओपी है अगले लाइन में दे रखा है द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी जॉइंटली टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आउट ऑफ विच ट्वेंटी वन थाउजेंड इंटरेस्ट पे किया एक बात बताओ बैंक का इंटरेस्ट है पच्चीस हजार बट आपने इंटरेस्ट पे सिर्फ इक्कीस हजार ही किया इस साल में मुझे बताओ आपको लेस करने को कितना मिला पूरा पच्चीस या सिर्फ इक्कीस पूरा पच्चीस या सिर्फ इक्कीस पूरा पच्चीस या सिर्फ इक्कीस ऑनलाइन ऑनलाइन ओ अनुष्का अनुष्का शर्मा हिमांशु गुप्ता पूरा पच्चीस या सिर्फ इक्कीस लोग जो है वो वापस बुक खोल के देख रहे क्या था देख लेते एक बार चलो कितने लोग बोलते हैं कि ओनली ट्वेंटी वन थाउजेंड रेजियोर हैंड ट्वेंटी वन थाउजेंड वाले कितने लोग बोल रहे हैं पूरा पच्चीस योर हैंड वेरी गुड देखो इंटरेस्ट ऑन लोन में मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया था कि इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द ड्यू बेसिस भले पे किया तो भी अलाउ होगा और आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउ होगा वो पेमेंट बेसिस पे म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउ होता था पता है जहां पे मैंने लिखवाया था पे किया तो अलाउ होगा नहीं किया तो नहीं होगा जब करोगे तब होगा तो वो सिर्फ किसमें था म्यूनिसिपल टैक्सेस में था बाकी इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउ होता था कौन से बेसिस पे ड्यू बेसिस पे अलाउ होता था तो ये इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा पूरा 25 पूरा 25 उसके आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज 450 ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाया ब्याज पे ब्याज लगाया क्या ये अलाउ होगा या नहीं मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट या पेनल्टी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता तो ये अलाउ नहीं होगा उसके बाद टू दीप टू रीपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर है पे करने के लिए नया लोन लिया पुराने लोन को पे करने के लिए नया लोन लिया अब एक बात बताओ पुराने लोन को पे करने के लिए नया लोन लिया तो नए लोन का इंटरेस्ट अलग हो गया या नहीं होगा ना जिया वाला एग्जाम्पल याद आया जिया ने पहले लोन लिया था एसबीआई से फिर वो उसके एक फ्रेंड से मिली थी और फ्रेंड आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था तो उसने कुछ बेनिफिट दिया था लोअर इंटरेस्ट रेट वाला लोअर इंटरेस्ट का बेनिफिट दिया था करके ठीक है तो बेटा नए लोन का इंटरेस्ट भी अलाउ हो जाएगा अब आपके दिमाग में एक ये डाउट चल रहा होगा

नए लोन वाला और बाकी वाला पच्चीस हजार पुराने लोन वाला तो पूरा तीस हजार अलाउ हो जाएगा उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स पे किया क्या अलाउ होगा या नहीं कितने लोग बोल रहे नहीं होगा रेज योर हैंड कितने लोग बोल रहे अलाउ होगा रेज योर हैंड अलाउ होगा अलाउ होगा कोई एक आधा खजूर नहीं अलाउ होगा मैंने आपको बताया था म्युनिसिपल टैक्सेस सिर्फ ओनर पे करता है तो ही अलाउ होता है टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होगा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं आ जाइए सब लोग ऊपर नाम वगैरह कुछ मत लिखो आप ऊपर नाम वगैरह कुछ मत लिखो क्योंकि दोनों भाई की इनकम लास्ट में डिवाइड करेंगे अपन तो कुछ मत लिखो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और बेटा ये कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पेज नंबर फोर्टी सेवन ट ईर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव लिखो कंप्यूटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अच्छा वो लिख लिया था ओ भाई सा बोलता है कि आप नींद में हो गए ठीक है बोलते आप नींद में हो ऐसा नहीं यार मैंने सोचा नहीं लिखा मैं भूल गया ना बहुत बार ऐसा होता है ना मोबाइल अपने हाथ में रहता और है और अपन मोबाइल ढूंढते रहते हैं तुम्हारे साथ नहीं होता ऐसा ऐसा चश्मा के साथ होता है चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व किया अपन ने अरे बाबू तुम करो मैं क्या करूं तुम करो आंसर बताओ सर बस अरे स्नेहा रिया फैजान भाई जल्दी करो चलो देख लो आपका आंसर आया कि नहीं आया म्यूनिसिपल टैक्सेस देवेंद्र नहीं है तो कहां से लाऊं मैं वो टेनेंट ने पे किया वो अलाउ नहीं होगा इसके नोट लिखने पड़ेंगे आप हाँ इंटरेस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव पुराने लोन का फाइव थाउजेंड नए लोन का हाँ भाई अब लोन नोट लिखो इसके नीचे नोट्स जैसे मैं लिखवाता हूं वैसे लिखो सबसे पहले लिखो नोट नंबर वन आपको नोट लिखने पड़ेंगे बाबू आदित्य मित्तल आदित्य मित्तल बोलता है सर मैं डॉन हूं मेरा नाम लिया करो ठीक है यहां पे बुलाया जाए ना और डैश पे डैश दिया जाए ना अभी ठीक है तो एकदम डॉनगिरी सब निकल जाएगी तुम्हारी छोटा डॉन राजपाल यादव का वो है ना वो छोटा डॉन आपू ने छोटा डॉन वही वाला डॉन है तू क्या बताए मस्त बंदा है लेकिन बहुत प्यारा बंदा दिखता नहीं है बट भावनाएं तो समझ सकते हैं ना चलो लिखो नोट नंबर वन नोट नंबर वन लिखो इंटरेस्ट देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बट जहां जहां आपको लगता है नोट लिखना चाहिए वो नोट लिखना पड़ेगा बिना नोट लिखे नंबर नहीं मिलेंगे जैसे ये क्वेश्चन आया सात मार्क का तो इसमें से पहले ये ये किया तो आपको ही मिला, अब तीन मार्क्स तब मिलेगा जब आप नोट लिखोगे आपको जो आता है वो आपको बताना भी है वहां पे कि हमको ये आता है तो लिखिए नोट में नोट नंबर वन इंटरेस्ट अलाउड ऑन ड्यू बेसिस नोट नंबर वन लिखिए इंटरेस्ट अलाउड ऑन ड्यू बेसिस

एक्चुअल इंटरेस्ट पेड इज रुपीज ट्वेंटी वन थाउजेंट इवन एक्चुअल इंटरेस्ट पेड इज रुप ट्वेंटी दूसरा नोट लिखिए लिखिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिखिए पेनल इंटरेस्ट पी एन एल पेनल इंटरेस्ट उड नॉट अलाउड एज डिडक्शन पेनल इंटरेस्ट नॉट अलाउड एज डिडक्शन तीसरा नोट लिखिए इफ एनी फ्रेश लोन इज टेकन इफ एनी फ्रेश लोन इज टेकन इफ एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन If any fresh loan is taken for repayment of earlier loan and earlier loan was taken for, if any fresh loan is taken for repayment of earlier loan and earlier loan was taken and earlier loan was taken for the purpose of house property, earlier loan is taken for the purpose of house property the purpose of house property then interest on fresh loan then interest on fresh loan then interest on fresh loan is allowed as deduction is allowed as deduction full stop in the present question in the present question इंटरेस्ट ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड इन द प्रेजेंट क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन इंटरेस्ट ऑफ रूपीज फाइव थाउजेंड इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन उसके बाद लास्ट नोट लिखिए लास्ट नोट लिखिए म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर इज अलाउड एज डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर इज अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रेजेंट केस in the present case in the present case since municipal taxes paid by tenant since municipal taxes paid by tenant since municipal taxes paid by tenant so it is not allowed as deduction so it is not allowed as deduction सो इट इज नॉट अलाउड एस डे एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग हा चलिए पहले तो मुझे ये मार्क करा दो कि कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके है वन हो चुका है वन टू हो चुका है थर्ड बाकी है फोर फाइव हो चुका है सिक्स बाकी है सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व हो चुका है थर्टीन बाकी है फोर्टीन बाकी है फिफ्टीन हो चुका है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे आ जाइए 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 सब लोग ये आपको खुद को करना है मैं सिर्फ गाइड करूंगा इसमें आपको मैं गाइड करूंगा बाकी क्वेश्चन आपको करना है मिस्टर एक्स ओन वन रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई द हाउस इज हैविंग द टू आइडेंटिकल यूनिट एक बात बताओ टू आइडेंटिकल यूनिट का मतलब क्या हुआ दो रूम है दो क्या है दो रूम है फर्स्ट यूनिट ऑफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड By Mr X and another unit is a rented for the 8000 per month. Miss एक unit है वो खुद use कर रहा है एक unit उसने भाड़े पे दे रखा है तो ये partly let out property हो गया time wise के area wise area wise तो मैं बताऊँ यहाँ दो property मानोगे एक SOP और एक LOP. The rented unit was vacant for the two month अब जो rent rented unit है वो दो महीने खाली भी थी तो vacancy concept भी आ गया यहाँ पे

मैंने आपको बताया था कि जो सोसाइटी चार्जेस है लाइट चार्जेस है पार्किंग चार्जेस है लिफ्ट चार्जेस है ये सब कुछ दे रखा है ये अलाउ नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी ये आपको थर्टी परसेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये तो आएगा बोरोड कैपिटल आपका फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ है तो फिफ्टीन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व मंथ करेंगे तो कितना आएगा एटीन थाउजेंड आएगा और दो यूनिट है तो दोनों में नाइन नाइन थाउजेंड बाट दोगे लीज मनी का क्या करेंगे इग्नोर करेंगे इग्नोर जो है इसको भी क्या करेंगे इग्नोर करेंगे और रिपेयर को भी क्या करेंगे इग्नोर इग्नोर तो ये सब चीजों को आपको पे करना इसको आपसे पूछा कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक्स फॉर मींस उसने 115 बीएससी नहीं लिया है. तो 115 BAC उसने नहीं लिया आपको बताना है कि उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको क्या करना है दो कॉलम बनाने हैं यहाँ पे क्योंकि एक SOP और एक तुम्हारा LOP तो यहाँ पे आपका मिस्टर एक्स करके बंदा है आप लिखेंगे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस आप दो कॉलम बनाइए एक एसओपी का और एक आप एलओपी का और इसका आधा आधा एस ओ पी एल ओ पी है हर चीज़ को आप डिवाइड करेंगे एक्चुअल रेंट को कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल रेंट किसके लिए रहेगा एल ओ पी के लिए तो मुझे बताइए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो ले लीजिए आप लीज मनी क्या होता है लीज मनी नहीं आएगा आपने लीज पे कोई जगह वगैरह ली हो उसका भाड़ा देते होंगे उसको नहीं आएगा आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते टाइम लीज मनी नहीं आएगा जैसे जगह आपने हो सकता है गवर्नमेंट से लॉन्ग टर्म लीज पे ली हुई है 99 ईयर्स की वगैरह नहीं उसको क्यों निकालेंगे वो तो बतौर उतार गवर्नमेंट को आप भाड़ा देते हो गवर्नमेंट को आप जगह का भाड़ा देते हो जगह मतलब गवर्नमेंट आपको पता है 99 ईयर्स की बहुत बार लीज पे जो जगह देती है ये वो वाला है माडा वाड़ा के घर होते हैं ना पता है आपको जो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देती है तो एसओबी के केस में हर जगह डैश पे डैश आएगा चलो करो करो फटाफट ट्वेंटी एट थाउजेंड ट्वेंटी एट थाउजेंड ट्वेंटी फाइव क्या बोला यस yes, बेटा क्या एसी ऑफ करो मेरे को मैं बताऊ ना मेरे को पता ही नहीं इस रूम में एसी भी है मेरे को ना तो लगती ठंड ना लगती गर्मी तो बेटा मेरे को सच्ची पता नहीं एसी का बटन कहाँ है यहाँ पे किसी को पता हो तो भाई एसी बंद कर दो नहीं तो कल से तुम्हें तो ना चद्दर लेके आया करो जब ठंड लगे एकदम ओढ़ के बैठ जाया करो नहीं तो बारिश में पहनने का जो आता है ना रेनकोट वो बेस्ट है वो क्या रेन से भी बचाता है ठंड से भी बचाता है पाप लगेगा जो जो ये दो दो आंसर करते हैं ना उनको पाप लगेगा ठीक है नहीं वो नॉर्मल वाला जो नॉर्मल एक तो लीड होता है एक ना लॉन्ग टर्म नाइनटीन इयर्स किसी का आया ट्वेंटी टू फिफ्टी किसी का आया ट्वेंटी फाइव बेटा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है ना क्वेश्चन शो मैं नहीं कर सकता तुमको क्या करने का तुमको मैंने पीडीएफ दे रखा है बेटा ये लो क्वेश्चन फोटो खींच लो पहले हाँ भाई तुम्हारे टेक्स्ट में तीन दिन छुट्टी आ रही है तो तु, तुम प्लान कर सकते हो अपने हिसाब से मैं टेस्ट तो लूंगा ही लूंगा सैटरडे जो ये सैटरडे आ रहा है तीन तारीख तीन तारीख को सैटरडे क्या दो को दो को सैटरडे तीन को छुट्टी ऐसे भी है चार पांच को छुट्टी है सो so, दो तीन चार पांच चार दिन डीटी का लेक्चर नहीं है तो उसमें आपका टेस्ट रहेगा एक तो हाउस प्रॉपर्टी पूरा हो जाएगा कल मोस्टली तो टेस्ट रहेगा हाउस प्रॉपर्टी का पूरा राखी की छुट्टी इसलिए नहीं है करके ठीक है इसलिए जो आपको परसों राखी है उसकी छुट्टी नहीं है क्योंकि मैं छुट्टी आपको दे रहा हूं तीन दिन इसलिए राखी का ऑप नहीं है इसीलिए राखी का ऑप नहीं है कि अगर राखी पे आप छुट्टी ले रहे हो तो कोई बात नहीं ना वो रिकॉर्डेड बाद में देख लेना वैसा कुछ कर लेना हां भाई हाँ चलिए सबने अपने अपने आंसर निकाल के दिए चलो मैं अभी आपको बता देता हूं क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा तो मुझे बताइए पहली चीज तो आधा एल ओ पी है और आधा एसओपी है तो एल ओ पी के केस में हाँ भाई एल के केस में मुझे बताइए म्यूनिसिपल वैल्यूशन जो है उसको डिवाइड बाय टू करो कितना आता है नाइन्टी फाइव थाउजेंड फेयर रेंट को नाइंटी हायर कितना आया स्टैंडर्ड रेंट एटी वन तो ये एटी वन आया एक्चुअल रेंट रुको एक्चुअल रेंट रुक तो जाओ रुक तो जाओ एक्चुअल रेंट कितना आएगा एक्चुअल रेंट में आपको ये बोला हुआ है कि घर भाड़े पे दे रखा है आठ हजार पर मंथ में और दो महीने का वैकेंसी है दो महीने का वैकेंसी तो देखो मैं बताऊं एक्चुअल रेंट आपके दस महीने का आया होगा हाँ भाई तो एक्चुअल रेंट आठ हजार मल्टीप्लाई बाय दस महीना तो कितना 80000 आया होगा अब एक बात बताओ नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं कि जेएवी किसको बनाते हैं एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड व्हिच एवर इज हायर लेकिन मैंने बोला जब भी वैकेंसी है तब ये हायर वाला नहीं लेने का हायर वाला नहीं लगेगा जब भी वैकेंसी है हायर वाला नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा तो आप एक काम करो आपको देखने का कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है Actual rent plus vacancy rent, क्या ये है है। है। या नहीं? आपका आपका अब एक बात बताओ actual rent आपका है। घर सोलह हजार होता, तो होता हाँ भाई आठ हजार मल्टीप्लाई दो महीने का वैकेंसी है तो एक बात बताओ यहाँ पे ये दोनों मिलके एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो मैं बताऊं एक्चुअल रेंट तुम्हारा क्या बनेगा जीएवी तो यहां पे जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा वो आपका एक्चुअल रेंट बनेगा एक्चुअल रेंट है वो आपका ग्रॉस वैल्यू बनेगा तो आप यहां पे एटी थाउजेंड कंटिन्यू करिए म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना परसेंट दे रखा है 15 तो 15 थाउजेंड टू फिफ्टी लेस करिए कितना बचता है? कितना, है? 30 कितना आया? ट्वेंटी फाइव और इंटरेस्ट है आपका नौ हजार तो बचा कितना थर्टी सेवन थाउजेंड जीरो टू फाइव नेट इनकम कितना आया हाउस प्रॉफिट ट्वेंटी हाँ? छुटकी तुम्हारा आंसर तो अभी थोड़ी देर पहले अलग था तुम्हारा तुम्हारा पीछे क्या देख रही हो तुम्हारा हाँ तुम्हारा नाइनटी सिक्स थाउजेंड आया था, था एक्चुअल रेंट तो आंसर अलग ही था खजूर बच्चों हाँ भाई यही तो प्रॉब्लम है गलती होनी नहीं चाहिए यही तो दिक्कत है तुम क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो आदित्य मित्तल ये बोलता है म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट डिवाइड क्यों नहीं किया देख म्यूनिसिपल वैल्यू को ही डिवाइड कर दिया ना भाई एक बात बता म्यूनिसिपल वैल्यू तेरा जो है वो 190 है तो या तो फिर 190 पे टैक्स निकाल के डिवाइड कर ले दोनों में या फिर जब 190 को ही डिवाइड कर दिया तो जो एलओपी वाला ही आएगा ना बाबू हाँ भाई यस पीपल यस यस अंजलि डोंट वरी एवरीथिंग इज कवर्ड चलो अब एक बात समझो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है अरियर्स ऑफ रेंट अरियर्स या एरियर्स एरियर्स ऑफ रेंट एक बात बताओ अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होगा अरियर्स ऑफ रेंट पहले अपन समझ लेते हैं फिर बात करेंगे एरियर्स ऑफ रेंट किसको बोलेंगे ऑफ रेंट ऑनलाइन वाले बच्चों हाँ दर्शन करेंगे इसको अगले अगले लेक्चर में हाँ कि सर ऐसा कभी हो सकता है प्रॉपर्टी एरिया वाइज भी पार्टली लेट आउट है टाइम वाइज भी है हो सकता है कल देखेंगे ठीक है चलो मुझे बताओ अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है अरियर्स ऑफ रेंट तो आना बाकी है तो उसको तो अनरियलाइज्ड रेंट बोलेंगे ना मतलब ये लोग ये बोल रहे हैं कि जहां थोड़ी बहुत होप है आने की उसको अरियर बोलेंगे और जहां होप ही नहीं है वहां अनरियलाइज ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब होता है अगर किसी रेंट को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाए और डिस्प्यूट की वजह से वो रेंट नहीं आ रहा दैट इज कॉल्ड अरियर्स ऑफ रेंट जैसे कोर्ट में केस चला गया जैसे कोविड में ऐसा हुआ आपने देखा होगा कि जो लोग भाड़े पे रह रहे थे उन्होंने मान लो पांच छह महीने का रेंट ही नहीं दिया वो ओनर बोल रहा है भाई प्लीज बात मत करो आपस में ओनर बोल रहा है क्या वो रेंट दे दो टेनेंट बोल रहा है नहीं दे रहा दोनों के बीच में झगड़ा हो गया डिस्प्यूट हो गया वो रेंट चला गया अरियर्स ऑफ रेंट दैट इज कॉल्ड ऑफ रेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं से समझने की कोशिश करते हैं जैसे तुम्हारा क्या नाम है श्रुति शुक्ला करके ठीक है एमपी से आई है ये अब श्रुति एमपी से आई है हुआ क्या समझने की कोशिश करना आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे अरियर्स क्या होता है जैसे श्रुति एक दिन अपने पुणे में रह रही है भाड़े पे रह रही है किसी घर लेके और उसका जो घर का भाड़ा है ना वो है महीने का टेन थाउजेंड मान लो टेन थाउजेंड इज रेंट अब टेन थाउजेंड रेंट है एक दिन क्या हुआ कि श्रुति कुछ खाना बना रही थी घर पे और वो लैंडलॉर्ड आया ओनर आया और ओनर ने बोला कि श्रुति अगले महीने से तुम्हारा रेंट फिफ्टीन थाउजेंड हो जाएगा तो श्रुति मुरुद ने बोला हाँ हाँ अंकल चलेगा कोई दिक्कत नहीं ऐसा बोल दिया अब

फिर दो घंटे बाद याद आता है मम्मी आई तो थी कुछ बोल के भी गई थी बट क्या बोल के गई थी पता नहीं मम्मी आई थी बोल के भी गई थी क्या बोल के गई वो पता नहीं करके ठीक है क्या बोल के गई वो पता नहीं तो

कोर्ट में उधर वो ओनर खड़ा है एक कटघरे कटघरा समझते हो ना वहां जहाँ श्रुति बोलती है जज रेंट बोल के गया था मेरे को मेरी जुबान पे पूरा भरोसा है ठीक है तो वो कोर्ट ने जज साहब ने बोला कि उस टाइम श्रुति कर क्या रही थी तो बोले श्रुति कुछ खाना बना रही थी और मोबाइल पे थी तो मोबाइल का बिल निकलवाया उस टाइम का दो तीन साल पहले का जब बात कर रही थी मोबाइल का बिल निकलवाया और बिल निकाल के देखा तो किसी लड़के को बड़े कॉल करती थी वो दिन में, दो दो घंटे दो दो घंटे कॉल करती थी उस लड़के को अब जब दो दो घंटे कॉल करती थी तो जज साहब ने वो लड़के को बुलाया वहां कटगरे में और बोला कि पिंटू तू बता पिंटू तू बता जब श्रुति तेरे से बात कर रही थी तो बोले लैंडलॉर्ड आया था कि नहीं आया और उसने भाड़ा बढ़ाने का बोला था या नहीं बोला वो बोलता जज साहब बिल्कुल बोला था क्या ठीक है मेरा भी बहुत उदारी है पुराना करके ठीक है और तब तक ब्रेकअप हो गया था ठीक है तब तक दोनों का ब्रेकअप हो गया था और भाई साहब वो बंदे ने जो गवाही दी है उस हिसाब से

राइट आंसर इज यहां लॉ मेकर बोलते कि जिस ईयर में अरियर्स ऑफ रेंट आपको मिलता है ना उस ईयर में ये टैक्सेबल होगा सर मान लो वो हाउस प्रॉपर्टी रहा ही नहीं तो जैसे हो सकता है वो जो ओनर था उसने वो घर ये मामला तीन साल पहले का था जब श्रुति को भाड़े पे दिया था फिर उसने वो घर बेच दिया और तीन साल बाद में उस अरियर्स रेंट की रिकवरी हुई तो भी क्या टैक्सेबल होगा आंसर इज यस तो भी टैक्सेबल होगा और हाउस प्रॉपर्टी में ही होगा भले उस टाइम वो घर उसका है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सेम चीज होगी अनरियलाइज्ड रेंट के साथ अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है कि कोई भाड़ा खा के चला गया भाड़ा खा के चला गया एग्जांपल के लिए क्या मान लो हमारा एक बच्चा है जिसका नाम है सार्थक क्या नाम है सार्थक तो सार्थक जो है वो सार्थक कहीं भाड़े पे पुणे में रहता था और जब इसको पता था क्लास पूरी होने वाली थी लास्ट का तीन महीने का उसने भाड़ा दिया ही नहीं लैंडलॉर्ड को बोला देता हूं देता हूं अगले महीने देता हूँ पक्का छुट्टा नहीं है पैसा ठीक है ऐसा कर करके तीन महीने उसको ऐसे ही मतलब घुमाया उसके बाद तीन महीने का भाड़ा खा के और चला गया यहाँ से लेकिन जैसे ही भाड़ा खा के चला गया लाइफ में इसके साथ साथ गलत होने लगा इसके साथ गलत होने लगा और इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई ठीक है कोई और जैसे ही अगर मान लो किसी महिला मित्र को ये जैसे ही हाय बोले वो आगे से ब्लॉक कर दे करके ठीक है हाय बोलते ही ब्लॉक कर दे जैसे रेलवे स्टेशन पे जाए ट्रेन चली जाए करके ठीक है मतलब जैसे ही किसी सिग्नल पे जाए तभी सिग्नल रेड हो जब ये जाए इसके साथ बुरा बुरा होने लगा एक दिन ये गया किसी पंडित जी के पास में निर्मल बाबा करके पहले आते थे बताया तुमको निर्मल बाबा ऐसे दो माही पकड़ते थे और लोग नहीं बाबा रामदेव नहीं निर्मल बाबा एक बाबा हुआ करते थे इंडिया में जो पहले बहुत आए थे आपकी मम्मी वगैरह को पूछोगे तो वो जानती कि आज से दस साल पहले का मामला है डोसा खा मतलब, खाए हुए कितने दिन हो गए है तो वो ऐसे आंसर देते थे तो इसको निर्मल बाबा ने बोला कि भाई साहब आप जो है किसी के पैसे खाए हुए इसकी वजह से ये हो रहा है आप पैसे ले जाके वापस दे दो तो वो लैंडलॉर्ड को रिकवरी हो गया तो क्वेश्चन ही आता है अनरियलाइज्ड रेंट का रिकवरी होता है वो भी टैक्सेबल होता है या नहीं आंसर इज यस तो बेटा ये जब भी एरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी हो या अनरियलाइज्ड रेंट का रिकवरी हो ये दोनों टैक्सेबल होता है उस ईयर में जिस ईयर में रिकवर होता है जिस ईयर में रिकवर होता है उस ईयर में टैक्सेबल होता है लेकिन इसमें पूरा टैक्सेबल नहीं होता एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है थर्टी परसेंट जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है ना वो मिलेगा तो जैसे मान लो लैंडलॉर्ड को श्रुति ने पंद्रह हजार दिया पंद्रह हजार पूरा टैक्सेबल नहीं होगा पंद्रह हजार में से थर्टी परसेंट लेस हो जाएगा तो लिखो पहले अरियरस ऑफ रेंट लिखा डैश करके लिखो इट मींस रेंट अंडर डिस्प्यूट मींस इट मींस इट मींस रेंट अंडर डिस्प्यूट इट मीन्स रेंट अंडर डिस्प्यूट इट मींस रेंट अंडर डिस्प्यूट या उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो सेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ए देखो जैसा बोर्ड पे लिखा जाता है ट्वेंटी फाइव ए वैसा ही लिखना है ठीक है अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कि ट्वेंटी फाइव ए को अच्छा लग रहा है तो ब्रैकेट में डाल देते हैं ठीक है ऐसा नहीं अपने घर पे लॉ नहीं बनता है ठीक है तो जो लॉ है वो वही रहेगा तो सेक्शन ट्वेंटी फाइव ए में लिखो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट रिकवरी ऑफ रिकवरी ऑफ अनियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट और हेडिंग हो गया आप इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिए लिखिए रिकवरी इज टैक्सीबल रिकवरी इज टैक्सिबल इन दर इन विच रिकवरी इज टैक्सीबल इन दर इन विच इट इज रिकवर्ड इन दर इन विच इट इज रिकवर्ड Under the head income from house property. Under the head income from house property. Under the head income from house property. Comma. Whether the assessee is the owner of the property or not. Whether. Whether the assessee. Is the owner of the property or not? Whether the assessee is the owner of property or not in the year of recovery, in the year of recovery, in the year of recovery, full stop. Any expenses incurred for recovery, any expenses. इंकड़ फॉर रिकवरी शेल बी इग्नोर एनी एक्सपेंसिस इंकड फॉर रिकवरी शेल बी इग्नोर मींस आपके रिकवरी का कोई खर्चा हुआ जैसे कोर्ट में गए थे कोर्ट का एडवोकेट का खर्चा हुआ या फिर मान लो आपने रिकवरी करवाने के लिए किसी भाई को भेजा था ठीक है भाई मतलब किसी गुंडे को भेजा था फैजान भाई करके ठीक है फैजान भाई को भेजा फैजान भाई ने बोला कि एक काम करो जो रिकवरी होगा दस परसेंट मेरे को दे देना तो दस परसेंट फैजान भाई ने लिया क्या वो यहाँ लेस होगा नहीं सिर्फ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और कोई खर्चे लेस नहीं होंगे तो नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए टैक्सेबल अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू रिकवरी मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी परसेंट ब्रैकेट में लिख लीजिए थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन रिकवरी मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी परसेंट ब्रैकेट में लिख लीजिए थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन डन पीपल बोलो डन बोलो डन, डन डना चलो अब एक कौन काम करो एक बात बताओ एसओपी किसको बोलते हैं सेल्फ ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप पूरे साल रहते हो या फिर आप नहीं रहते ड्यू टू आपका बिजनेस और प्रोफेशन कहीं और है और उस वजह से नहीं रहते उसको बोला जाता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी मुंबई में है या तो मैं उस घर में पूरे साल रहता हूं वो एसओपी है या फिर मुंबई से मैं पुणे आ गया और पूरे साल मैं पुणे रहा मेरा बिजनेस प्रोफेशन पुणे में है तो पुणे रहा और वो घर खाली पड़ा है तो भी वो क्या माना जाएगा एसओपी बट एक भी दिन अगर भाड़े पे दे दिया तो क्या बन गया एल तो एक लाइन छोड़ के लिखो ना एक लाइन छोड़ के लिखो ना मीनिंग ऑफ एसओपी मीनिंग ऑफ एसओपी और मीनिंग ऑफ एसओपी में डैश करके लिखो इट मीन्स इट मींस इट मींस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस पर्पस। इट मींस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस पर्पस। सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस पर्पस। थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द ईयर और अनऑक्युपाइड और अनऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट एट एनी अदर प्लेस ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट एट एनी अदर प्लेस एनी अदर प्लेस डन कुछ होमवर्क करके आओगे कुछ करोगे छोटे-छोटे कुछ होमवर्क करके आओगे बोलो ना हाँ सर बोलो ना हाँ सर अरे रे रे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना। कल हो जाएगा मोस्टली हाँ भाई ये क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन लिखिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन लिखिए होमवर्क मिस्टर विकास वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन होमवर्क सेवेंटीन के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स फोर्टीन लिखिए होमवर्क एसओपी के केस में इंटरेस्ट है वो दो को ओनर है तो दोनों को दो दो लाख का इंटरेस्ट मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन लिखिए होमवर्क रिकवरी ऑफ अनियलाइज रेंट अरे सॉल्यूशन दे रखे तीन तीन मिनट के क्वेश्चन है ये अगर तीन मिनट से ज्यादा लग जाए इस क्वेश्चन में तो छोड़ देना 13, बस 13 बहुत है क्वेश्चन नंबर सिक्स लिख लीजिए होमवर्क बस तो चार क्वेश्चन दिए तीन के तो सॉल्यूशन दे रखे ऑलरेडी आपको वहीं से चेक करना है और एक क्वेश्चन आपको सिर्फ बनाना है बाकी के सॉल्यूशन दे रखे हैं। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करेंगे ये बोल रहा है कि के सर केमिस्ट को बुला लो सब लोग खांसी कर रहे हैं ठीक है थीके? अरियर ऑफ रेंट का मतलब होता है पंकज ऐसा रेंट जिसको लेके कोई डिस्प्यूट हो गया था सर आशीर्वाद दे दो हमको यस सब लोग सीए बन जाओ फटाफट आशीर्वाद तुमको चलो आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करेंगे चलो बाय टेक केयर